जंगलों में जानवरों को बचाने के साथ साथ उनकी सेवा करने के लिए मुरादाबाद के वरिष्ठ फोटोग्राफर एआर रहमान काम कर रहे हैं, जिसको लेकर लगातार समाज में जागरूकता भी फैलाई जा रही है। वन्य जीवन सप्ताह कार्यक्रम का समापन हुआ। इस अवसर पर यह बताया गया है कि एक सप्ताह तक वन विभाग द्वारा समाज में जागरूकता फैलाने के लिए काम भी किया गया। मकसद सिर्फ ये है कि सभी लोग जानवरों को बचाने के लिए काम करें। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष भारत में 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। एआर रहमान ने बताया, वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पर्यावरण विदो, शिक्षकों ने कदम उठाया है। जगह जगह प्रदर्शनी, स्कूलों, महाविद्यालयों के माध्यम से बच्चों को निबंध, लेखन, चित्रकला, भाषण आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। वन्य जीवन प्रकृति की देन है। 7 अक्टूबर को वन्य प्राणी दिवस का समापन होता है। हमारा उद्देश्य है कि भारत में विलुप्त होने वाले वन्य प्राणी को बचाया जाए, और हमने ऐसा कठोर कदम न उठाया तो ये प्राणी विलुप्त होने की कगार पर आ जाएंगे। जंगल उजड़ते देख चले जाएंगे, पर्यावरण अशुद्ध होता चला जाएगा। हमें इसे रोकना होगा, लोगों को इसके प्रति जागरूक करना होगा, नहीं तो हमारा जीना भी इसके बिना दूभर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर व मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए हमें आसपास के पर्यावरण को शुद्ध व साफ सुथरा रखना होगा। इसको शुद्ध व साफ सुथरा बनाना वन्य जीवों के बिना असंभव है। वन्य जीवों के महत्व को समझाने व इसके प्रति जागरूकता न लाए तो वन्य जीवों के मनुष्य का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। आप सभी देशवासियों से निवेदन है कि जंगलों को कटने से बचाएं, वन्य जीवों पर दया करें। इस कोरोना काल में हमारी टीम ने एआर रहमान, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, कंपोज तरन्नुम शेख, तबस्सुम जहां ने लोगों को विभिन्न प्रकार के जानवरों के चित्रों के माध्यम से SMS इंटरनेट के जरिए लोगों को जागरूक किया कि हमें अपने वन्य जीवों की रक्षा करनी चाहिए, वनों को काटने से बचाना होगा, पर्यावरण को शुद्ध रखना होगा, जानवरों का शिकार करने व मारने पर प्रतिबंध लगाना होगा। और हमारी टीम ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बच्चों को उनके घरों पर जाकर जानवरों को सुरक्षित कैसे रखा जाएगा सारी जानकारी दी। इस अवसर पर एआर रहमान, तबस्सुम जहां, तरन्नुम शेख, जैनब खान, मोहम्मद जफर, अकील अहमद, भूपेंद्र सिंह, अब्दुल रहीम, मोहम्मद शाहिद, शहजाद खान आदि थे। ये 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक बनाया जाता है। इसमें वन्य प्राणी सप्ताह बनाया जाता है, और इसमें ज़्यादातर उद्देश्य रहता है कि वन प्राणी जो सप्ताह है, इसमें जानवरों को कैसे बचाया जाए। और हमारा उद्देश्य यही है कि जानवर बचे तो कैसे बचे। इसमें हर प्रकार के होते हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ बोलते हैं कि हमने इस सप्ताह घर घर जाकर लोगों को अपने जो फ़ोटो हमने क्लिक किए हैं उसके माध्यम से लोगों को समझाया कि जानवर कितने ज़रूरी है हम लोगों के लिए। पहले बचपने में हमने देखते थे कि चिड़िया चिंचिड़ाती थी सुबह सुबह, और अब जो है बिल्कुल ये विलुप्त हो चुकी हैं। मगर हमारी कोशिश है कि लोगों को जागरूक करें और इसको जो विलुप्त हो चुकी हैं वो दोबारा से फिर अपने मकाम पे आ जाए। अच्छा, तो कौन कौन से विभाग को, कौन कौन से अधिकारी को सहयोग रहा है इसमें? सबसे ज़्यादा तो आप लोगों का बहुत सहयोग रहा, मीडिया का। जो जैसे कि मैं कुछ भी बताता हूँ तो मीडिया पूरा सहयोग करती है। बाकी जो है फॉरेस्ट विभाग है, प्रशासन है, और बाकी अन्य लोग हैं, मगर सबसे ज़्यादा मेरे साथी मीडिया कर्मियों का पूरा सहयोग रहा। जो ज़्यादातर काशिफ साहब, आपका माध्यम से बहुत अच्छा संदेश गया है लोगों के बीच में। लोग इस चीज़ को लाइक भी कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, और ये कहना है कि आपने एक अच्छा मुद्दा उठाया है। लोग अपने अपने तरीके से बताते हैं कि या समझाते हैं, ये कार्यक्रम करते हैं, मगर हमारा जो अलग ही विषय रहा, हम लोगों को अपने चित्र के माध्यम से इस तरीके समझा रहे हैं ताकि लोगों को समझ में आए। कोरोना काल में हम लोगों के घर पे गए, सिंगल भीड़ हमने इकट्ठी नहीं करी, और उन लोगों को समझाया भी और वो समझे भी, और उन्होंने इस चीज़ को बहुत सराहा है। और बस आप लोगों से अब ये गाँव गाँव में जाके कर रहे हैं, या जंगल में आसपास के जहाँ गाँव हैं उनके पास जाके कर रहे हैं ये सबसे ज़्यादा? मैंने इस पर फोकस दिया है कि ज़्यादातर आपने सुना होगा तेंदुए की शिकायत ज़्यादा आती है, लोग तेंदुए को मार भी ज़्यादातर मार रहे हैं। मैंने उन लोगों को समझाया तेंदुआ इंसान पे हमला नहीं करता, क्योंकि ये एक सबसे ज़्यादा शर्मीला और डरपोक जानवर होता है, और इसमें काफ़ी लोग जागरूक भी हैं। उन्होंने कहा कि आगे से हम ऐसे ध्यान रखेंगे, कभी टाइगर या किसी ऐसी चीज़ की सूचना मिली तो हम आपको अवगत कराएंगे, मगर काफ़ी लोग जागरूक हुए हैं। अब हाल ही में आप कहाँ पे जा रहे हैं फोटोग्राफी करने, और किस संदेश को लेकर जा रहे हैं? हाल ही में तो ज़्यादातर मैं उत्तराखंड या अपना बिजनौर रेंज है, अमानगढ़ गेस्ट हाउस, मैं वहाँ पे ज़्यादातर कोशिश ये करता हूँ कि अपने यूपी का आगे नाम बढ़े,
कि अपने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के माध्यम से, ज़्यादातर मेरी कोशिश है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि लोग उस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जो मैं करके लाता हूँ, विभिन्न प्रकार के जो जानवरों के फोटो करके लाता हूँ, उसके माध्यम से लोगों को इस तरीके से जागरूक कर रहा हूँ कि लोग उससे पसंद कर रहे हैं कि यहाँ आपने किस तरीके से फोटो करा होगा, कितना समय में कितने खतरनाक समय रहा होगा जो आपने फोटो, तो मैं उनको वहाँ की बात बताता हूँ तो उनको बहुत अच्छा लगता है और वो इस चीज़ की तरफ चल रहे हैं।